नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। पोरसा खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकारें लगातार कई तकनीकों का सहारा दे रही है, जिसका उपयोग कर किसान लाभ ले सके। सरकार इस पर पैसा भी खर्च कर देती है, लेकिन इस पैसे का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है, जिसका एक बड़ा उदाहरण मिट्टी परीक्षण है। हर ब्लॉक स्तर पर इसका निर्माण करवाया गया था, सामान भेजा गया, लेकिन यह कभी चालू नहीं हो सकी। इनमें ही शामिल है पोरसा पृथ्वीपुरा पर बनाई गई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जो निर्माण के 5 साल से अधिक होने के बाद भी दूर भाग रही है। इसमें रखी मशीनें जंग खा रही है और सामान को धूल दीमक चट कर रहा है। प्रयोगशाला में निर्माण पर लाखों रुपए खर्च हुए, इसके बाद सामान खरीदने में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन मिट्टी परीक्षण एक भी किसान का नहीं किया गया। प्रदेश सरकार ने ब्लॉक स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला इस उद्देश्य के साथ ही बनवाई थी कि किसानों को खेती की मिट्टी परीक्षण करवाने के लिए दूरदराज जिला मुख्यालय पर ना जाना पड़े। पोरसा में पृथ्वीपुरा में भी 36 लाख रुपए खर्च कर एक प्रयोगशाला बनाई गई है। यह परीक्षण से जुड़ी मशीनें व सामान तक पहुंचा दिया गया, लेकिन इसके बाद इस परीक्षण लैब की ओर किसी ने भी पलट कर नहीं देखा। आलम यह है कि 5 साल से इस लेब का ताला तक नहीं खोला जा सका, जिससे इस पैसे का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। स्थित यह है कि यह रखा सामान के कार्टून तक नहीं खोले गए हैं। ताले में बंद रखने की वजह से अब इस सामान को धूल और दीमक खा रखे हैं। जिस कमरे में यह सामान रखा गया है उसमें कार्टून की धूल साफ सूत्री दिखाई दे रही है। मशीनें जंग खा रही है, वह कार्टूनों को चूहे खा रहे हैं। बिल्डिंग का रख रखाव न होने के कमरों में दरारें पड़ चुकी हैं। जिस चबूतरे को मशीन स्टोर करने के लिए तैयार करवाया गया है वह भी जर्जर हो चुका है, लेकिन इसके संचालक को लेकर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। पोरसा से संवाददाता प्रदीप सिंह डंडोतिया की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।